नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग पर। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं हिमाचल प्रदेश में हूँ और पढ़े आप लोगों के पास वीडियो जा रहा होगा, जो भी मैं यहाँ पर एक्टिविटीज़ करता हूँ, जो भी अपना लाइफ स्टाइल है यहाँ का। और दोस्तों, आज का ये जो ब्लॉग है 6 बजे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 6 बजे हल्का हल्का सा धूप आना शुरू हो गया है। और यहाँ पर आज मेरा ये लास्ट दिन है, आज 8 बजे की बस है, यहाँ से हमें निकलना है। और मैं बिल्कुल रेडी हो गया हूँ। और हालांकि अभी फ़िलहाल थोड़ा सा नाश्ता करना है, गुरुजी नाश्ता बना रहे हैं। और यहाँ का जो मनमोहक दृश्य है वो अपने स्मृति में वो हमेशा के लिए इसको कैद करके और कैमरे में कैद करके लेकर के जा रहा हूँ। और फिर कभी आना होगा, 4 साल बाद तो आना होगा किसी तरीके से टाइम निकाल करके। तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी ही आऊँगा यहाँ पर, क्योंकि इस प्रकृति में आने के बाद जो इच्छा होती है, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जाने का मन ही नहीं करता है। अपने आप में ये एक अलग सा अनुभव हुआ है दोस्तों। इसके पहले 4 साल पहले भी आया था, तो मैं घूमा ही था, लेकिन इतना सब कुछ नहीं था। लेकिन फ़िलहाल इस बार आने के बाद थोड़ा सा ये हुआ कि नहीं, और लगभग अगली बार जब मैं आया था तो यहाँ पे 2 ही 3 दिन रुका था, लेकिन इस बार 4 से 5 दिन हो गया। और फिर यहाँ से अब देखिए दोस्तों, 8 बजे की बस है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए कोई स्टेशन नहीं है, कोई ट्रेन नहीं है, तो पहले बस से ही यात्रा करना पड़ता है। तो लेकिन हालांकि हम लोग बस से ही यहाँ से निकलेंगे शिमला के लिए, और शिमला में भी वहाँ पर गुरु जी हैं, उनके यहाँ रुकना है। और लगभग 3 दिन हो सकता है, 3 या 2 दिन हम लोग शिमला में रुकेंगे, फिर उसके बाद ही अपनी वापसी होगी। तो फिलहाल अभी आपको हम शिमला का विजिट कराएंगे, शिमला भी दिखाएंगे और शिमला को मैं भी देखूंगा कि कैसा है शिमला अभी। हालांकि मनाली में तो बहुत ज़्यादा बाढ़ और आ जाने की वजह से वहां का जो रास्ता है पूरा बंद हो गया है, काफ़ी वहां पे तबाही मचा है। आप अगर न्यूज़ देखे होंगे तो आप लोगों को तो पता ही होगा, तो इसलिए हम लोग मनाली का जो था वो कैंसिल कर दिया है। हालाँकि हम लोगों को जाना है शिमला के लिए, तो अभी हम लोग आज सुबह ही निकलेंगे यहाँ से बस डायरेक्ट शिमला के लिए। तो शिमला चलते हैं, शाम को पहुंचेंगे, लगभग 8 घंटे की यात्रा है बाई बस। और दोस्तों देखिए, मैं आ गया हूँ इस नदी में जहाँ पर मैं पढ़े नहाया करता था, और दोस्तों आज तो उधर ही नहाना हो गया, क्योंकि आज सुबह में रात में बारिश भी यहाँ पर हुआ है और काफ़ी ज़्यादा ठंड भी था, जिसकी वजह से मेरा हिम्मत नहीं किया झील में आकर के नहाने का। और देखिए, मैं इधर फिर टहलने के लिए आ गया, अभी गुरु जी उधर नाश्ता तैयार कर रहे हैं, वहाँ से नाश्ता लेना, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हिमालय पर्वत दिखाऊंगा यहाँ से। आज हिमालय पर्वत जो है अभी दिख रहा है, मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि बारिश हुआ है ना, तो धुंध खत्म हुआ है, तो उस पर चमक आ रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं जल्दी से। देखिए, मैं बैक वाला कैमरा कर लिया, जैसा कि मैं बराबर आपसे कहता था कि पुल के उस पर हिमालय पर्वत दिखता है। तो ये देखिए, आज दिखा है धूप, उस पर देखिए पूरा तरीके से बर्फ़ जमा हुआ, जो वाइट वाइट सा सब दिख रहा है। बारिश हुआ है, थोड़ा साफ़ हुआ है मौसम। और ये देखिए, गजब का शानदार यहाँ से लग रहा है, बिल्कुल एकदम भयानक। देख लीजिए, आज देखिए अपनी यात्रा सफल हो गई, आप लोगों को हिमालय पर्वत में दिखा दिया यहीं से। मैं बराबर कहता था कि मैं हिमालय की तलहटी में गुरुजी यहाँ पे रहते हैं। और ये देखिए, इसका खूबसूरत सा नज़ारा लग रहा है। चार दिन की जो मेहनत थी आज सफल हुई है, आज हिमालय पर्वत यहाँ से दिखा है। जब बारिश हुआ है, धुंध हटा है, तब जाकर के दिखा है। काफ़ी यहाँ से अच्छा लगता है दोस्तों, मैं तो आंखों से देख रहा हूँ, आप लोगों को कैमरे में दिखाया हूँ, हो सकता है कि आप लोगों को इतना न समझ में आए, लेकिन उसके बाद भी आज देखिए, आज मन एकदम बिल्कुल अपने आप में काफ़ी संतुष्ट फील कर रहा हूँ कि चलिए आज दर्शन हो गया हिमालय पर्वत का। नहीं तो हल्का हल्का सा धुंध दिखता था, हमें तो दिख जाता था, लेकिन आप लोगों को मैं दिखा नहीं पाता था। तो यहाँ काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों, ये पूरा हिमालय की तलहटी है और हिमालय के नीचे ही जस्ट यहाँ पे आश्रम है, और उसी हिमालय का पानी यहाँ पर आता है, जो मैं आपको पढ़े ये नदियों में दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छा मनमोहक दृश्य लगता है यहाँ पर। और यहाँ पर वाकई में दोस्तों, अगर मेडिटेशन करने आए तो सब मानसिक जो विकार होगा ना, वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। कल शाम में भी गुरु जी ने भी बताया था कि अपने आप को प्रकृति से जोड़ना चाहिए, जब भी कहीं आप आइए ऐसे जगहों पर। तो दोस्तों, यहाँ पर आकर के हम लोग तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं, लेकिन इस नदी के साथ अपना जुड़ाव
अगली बार भी रहा, इस बार भी, क्योंकि यहाँ का जो निर्मल पानी है दोस्तों वो अपने आप में बेहद ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। दोस्तों आप पीछे देख सकते हैं, पूरा जब धूप होता है ना ऊपर, जब धूप की किरणें आती है तो पूरा यहाँ का जो पेड़ और ये जो पत्थर हैं वाइट वाइट, ये अपने एक अलग से कलर में आ जाते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है। अब देखिए, अब आज यहाँ से हमारा जाना हो रहा है और बिल्कुल मन तो नहीं है, लेकिन फिर भी अब जाना ही है, क्योंकि हम ज़्यादा समय तक रुक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि घर भी निकलना ज़रूरी है। काफ़ी टाइम हो जाएगा, 10 दिन का टूर प्लान था तो 10 दिन तो हो ही जाएगा। अब 5 दिन हो गया, 2-3 दिन अभी शिमला में रुकना है, फिर उसके बाद हो सकता है चंडीगढ़ दिल्ली होते हुए फिर निकलना, तो टाइम तो लग ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको थोड़ा सा बाहरी वातावरण एक बार फिर से आप लोगों को दर्शन करवा देता हूँ, फिर यहाँ से निकलते हैं। तो अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, हिमालय जो पर्वत है ये देखिए पुल के उस पार, और काफ़ी एकदम बेहतरीन लग रहा है, एकदम चमक के साथ। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ का जो, यहाँ पे मैं रहता था, यहाँ 4 दिन हो गया मुझे रहते हुए, ये देखिए यही वो आश्रम है जो इस जंगल में है, एक छोटा सा आश्रम, इसी आश्रम में रहना होता है। और इधर दोस्तों इस साइड में दोस्तों शमशान घाट है, यहीं पास में ही, शमशान घाट के पास में ही हम लोग रहते हैं। और ये देखिए नदी का पानी देख रहे हैं कितना बेहतरीन, कर लीजिए दर्शन फिर एक बार गंगा माँ का, मतलब जो गंगा माँ में पानी मिलता है, हिमालय का जो पानी है जा कर के अपने गंगा माँ में ही मिलता है, जहाँ पे हम लोग कहते हैं गंगा माँ का ये पानी है। ये देखिए प्राकृतिक यहाँ का दृश्य। अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ और गुरुजी भी बुला रहे हैं, क्योंकि अब टाइम भी हो रहा है, नाश्ता करना है फिर उसके बाद निकलना है। तो चलिए दोस्तों आप बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आपको आज काफ़ी सारा हिल मैं दिखाऊँगा, जो हिल पर बने हुए घर हैं हिमाचल में वो दिखाऊंगा। तो चलिए आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाइएगा। तो चलिए दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। देखिए अपने आश्रम का मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लिप दिखा देता हूँ। देखिए मेरा यही आश्रम है जहाँ मैं आता हूँ, और ये इसका एरिया है पूरा। इधर देखिए समाधि स्थल, और धरी साइड में शमशान घाट, ये शमशान घाट के पास में ही है। देखिए दोस्तों फाइनली देखिए, अब गुरुजी से आज्ञा हम लोग ले लिए हैं, अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। तो चलिए अब गुरुजी का आशीर्वाद ले लेते हैं और गुरुजी से मंगल कामना करते हैं कि हम लोग सही तरीके से पहुँच जाए, गुरुजी भी सही सलामत यहाँ पे रहें। फिर दोबारा हम लोगों का आना जाना होगा, गुरुजी की छत्र छाया में हमेशा हम लोगों का लगाव रहता है, जुड़ाव रहता है। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। फाइनली देखिए निकल लिए आश्रम से, और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर निकलना है नागनी के लिए। नागनी पर ही बस मिलेगी, जैसा कि आप जानते ही हैं, बता भी चुके हैं आपको। तो चलिए दोस्तों अब वहाँ से बस पकड़ लेते हैं, चौक यहाँ पर बस का वेट कर रहे हैं, देखते हैं अभी लगभग 10-15 मिनट लगेगा अभी बस को आने में।